मुजफ्फरपुर के भटगामा में नाव दुर्घटना में लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लोग लापता हैं या उनकी शव मिला है। मुख्यमंत्री मौजूद थे मुजफ्फरपुर में, पदाधिकारी उनके स्वागत में लगे थे, बच्चे हमारे डूब रहे थे। और आपकी संवेदनहीनता प्रकाष्ठा पर है कि इतनी बड़ी घटना के लिए आपको दो मिनट का समय नहीं मिला। तीन तीन लोगों की हत्या बक्सर के अंदर, हाजीपुर के अंदर, ये हत्या का दौर तो प्रत्येक दिन। अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि आपकी सरकार में बैठे मंत्री अपने विभाग के प्रति जिम्मेदार नहीं है। पटना के जिलाधिकारी भी सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं किए, और सच्चाई है सरकारी अस्पताल का खस्ता हाल है। सिर्फ मिशन 60 खाना पूर्ति के लिए बना था, पूरी तरह से विभाग के अंदर लूट की छूट की वातावरण है। डेंगू जितने चरम पर पहुंचा हुआ है, हर लोग भयभीत हैं। न प्लेटलेट्स है, न रक्त की व्यवस्था है, और न टेक्निकल लोग गांव के अंदर इसके रोकथाम और छिड़काव की व्यवस्था बना रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर करारा प्रहार किया है और साफ तौर पे कहा है कि बिहार में इस वक्त जहर, लहर और कहर देखने को मिल रही है। और बिहार सरकार जिस तरीके से जहर, लहर और कहर से काम कर रही है, यही कारण है कि बिहार में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहा है और आए दिन जो घटनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ी है। और जो गोली मारी जा रही है, जिस तरीके से पटना की राजधानी में दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हम आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फरपुर के भटगामा में नाव दुर्घटना में लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लोग लापता हैं या उनकी शव मिला है। मुख्यमंत्री मौजूद थे मुजफ्फरपुर में, पदाधिकारी उनके स्वागत में लगे थे, बच्चे हमारे डूब रहे थे, बचाव की कोई उपाय नहीं कर रहे थे। SDRF के पास तकनीक और साधन, प्रशिक्षित गोताखोर और न डीप ड्राइविंग टेक्निकल लोग, अनुसाधन उनके पास था। मुख्यमंत्री जी, आप हर बार आने के पहले पूरी व्यवस्था करते हैं, सब कागज पर आपकी व्यवस्था बनती है। एक हृदय विदारक घटना जो दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपकी संवेदनहीनता प्रकाष्ठा पर है कि इतनी बड़ी घटना के लिए आपको दो मिनट का समय नहीं मिला, न उसके आंसू पोंछने का, पीड़ित परिवार का, न उस मृतक पर दो फूल चढ़ाने का। और कहीं भी इस तरह की बड़ी घटना, आज फतुहा के अंदर तीन तीन लोगों की हत्या, बक्सर के अंदर, हाजीपुर के अंदर, ये हत्या का दौर तो प्रत्येक दिन आपके राज्य में हो रहा है। अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा हुआ है, आपकी संवेदनहीनता साफ दिखाई पड़ती है। अब इस पर आप चर्चा भी बंद कर दिए, इसको संज्ञान में लेना भी आपने बंद कर दिया है, क्योंकि आपकी सरकार में बैठे मंत्री अपने विभाग के प्रति जिम्मेदार नहीं है, न आपका अब कोई दबाव या प्रभाव है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है कि आपके मुख्य सचिव डेंगू से पीड़ित हैं, वह स्वस्थ हों हमारी कामना है, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई आपके पदाधिकारी भी जाना नहीं चाहता। पटना के जिलाधिकारी भी सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं किए, और सच्चाई है सरकारी अस्पताल का खस्ता हाल है। सिर्फ मिशन 60 खाना पूर्ति के लिए बना था, पूरी तरह से विभाग के अंदर लूट की छूट की वातावरण है। डेंगू जितने चरम पर पहुंचा हुआ है, हर लोग भयभीत हैं।
कई लोग डेंगू से पीड़ित हैं और मौत के मुंह के करीब खड़े हैं। आपके पास न उसकी सुविधा है, न प्लेटलेट्स है, न रक्त की व्यवस्था है और न टेक्निकल लोग गांव के अंदर इसके रोकथाम और छिड़काव की व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन विभागीय मंत्री 5 विभाग संभाले हुए हैं, उनको फुर्सत कहाँ है? पदाधिकारी के भरोसे चल रही व्यवस्था और पूरी प्रशासनिक अराजकता का शिकार है स्वास्थ्य विभाग। जी हाँ, सुना आपने कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो घटना घटी है जहर और लहर और कहर वाली, उस घटना का जिक्र करते हुए बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब ये सरकार पर लोगों की भरोसा नहीं रही है और यही कारण है कि अब बिहार में दिन प्रतिदिन जो अपराध की घटनाएँ हैं वो बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।